तो आज की क्लास में हम समग्र शिक्षा अभियान जो कि SSA सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा आदि को मर्ज करके बनाया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। ये क्या है, क्यों इसको डेवलप करने की आवश्यकता हुई और क्या इसके उद्देश्य है, इन सभी बातों पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले आपको सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये मैं बता चुका हूँ, राइट? तो उसको पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने के बाद ही आपको आगे समझ में आ पाएगा, बिकॉज जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो सर्व शिक्षा अभियान के ही हैं। द समग्र शिक्षा अभियान वॉज फॉर्म्ड बाय सब्स्यूमिंग द फॉलोइंग थ्री स्कीम्स टू इंश्योर एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक स्कूल एजुकेशन। तो कौन कौन सी तीन स्कीम्स हैं जिनको सब्ज्यूम किया गया है, यानी कि मर्ज किया गया है सर्व शिक्षा अभियान में? पहली तो है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। दूसरी है SSA समग्र, सॉरी ये सर्व शिक्षा अभियान होगा, ठीक है? ये बाय मिस्टेक समग्र शिक्षा अभियान लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सर्व शिक्षा अभियान पढ़िएगा इसको आप। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देन सर्व शिक्षा अभियान एंड देन टीचर एजुकेशन। ये तीन स्कीम्स हैं जिनको मर्ज करके अब वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। आई रिपीट, ये जो सेकंड पॉइंट है SSA वो सर्व शिक्षा अभियान है, बाय मिस्टेक ये समग्र शिक्षा अभियान लिख दिया है। द गोल इज टू ट्रीट स्कूलिंग एज अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम प्री स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो प्री प्राइमरी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेकर के लगभग सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th तक, तो ये कहें कि नर्सरी से लेकर के क्लास 12th तक इजीली बच्चा जो है वो एजुकेशन लेता हुआ चले, बिना किसी बर्डन के, बिल्कुल इजी गो में, और अपनी 12वीं तक की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको वो पूर्ण कर सके। ये इसका बेसिक गोल है। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स बाय इंटीग्रेटिंग द टू टीज। तो दो टीज के माध्यम से, वो दो टी क्या है इसको फिर से आप लोग, मैं इंफेसिस कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। व्हाट आर द टू टीज अकॉर्डिंग टू समग्र शिक्षा अभियान विच कैन एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वे क्या दो टी हैं जिनके माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात कही गई है? तो पहला टी है टीचर, शिक्षक। दूसरा टी है टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी। तकनीकी के माध्यम से हम शिक्षण कार्य को आसान बना सकते हैं। जैसे आप क्लासरूम के अंदर अगर बच्चों को एक एनिमेटेड मूवी दिखा दें, ठीक है, जो आप टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं उससे संबंधित, तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको देख पाएगा, ठीक है। बच्चे को छोटे 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 जो आप TLM यूज करते हैं उनकी जगह पर बड़े बड़े अगर स्क्रीन आप दिखाएंगे तो बच्चा उसको इजीली टैकल कर पाएगा। क्लियर हो गया? अगर माना दूर दराज के स्कूलों में शिक्षक की उपलब्धता नहीं है तो एक्सपर्ट्स द्वारा अच्छी ऑडियो वीडियो एड्स की माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, कहीं भी एक स्थान में रहते हुए, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तकनीक के माध्यम से हम शिक्षा को इजी बनते हुए देख रहे हैं। तो इसीलिए टीचर एंड टेक्नोलॉजी आर टू टीज विच कैन एनहेंस और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू समग्र शिक्षा अभियान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस सॉरी लॉन्च्ड दिस स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कोई भी स्कीम अगर होती है बड़े लेवल की तो वो क्या होती है, हमेशा आपकी MHRD द्वारा ही लॉन्च की जाती है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान ही क्यों ना हो, वो भी MHRD द्वारा ही लॉन्च किया गया था। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी लुक्स आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और इस स्कीम को देखने का कार्य यानी कि इसको, इसकी केयर करने का जो कार्य है वो किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का, ठीक है। क्योंकि MHRD के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही थोड़ी है, स्कूल एजुकेशन इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर MHRD, राइट। तो इसका काम है इस पूरी स्कीम को देखना, बिकॉज ये स्कूल से संबंधित शिक्षा की ही एक स्कीम है। द स्कीम वॉज लॉन्च विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। और इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया है मैं आपको बता चुका हूँ कि स्कूली जो विद्यालय शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, इस हेतु इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। द स्कीम रिप्रेजेंट्स अ पैराडिम शिफ्ट इन अ कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय ट्रीटिंग स्कूल होलिस्टिकली फ्रॉम प्री स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूँ आपसे कि इस स्कीम के माध्यम से एक ऐसा पैराडिम्स
डिजाइन करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि जो स्कूल है वो कंप्लीट मैनर में, या कहेंगे समग्र रूप से, आपकी गुणवत्ता परक शिक्षा को बढ़ाता हुआ चले, जो कि प्री स्कूलिंग से लेकर के यानी कि नर्सरी क्लासेस से क्लास 12 तक कंप्लीट होती रहे। ठीक है, द स्कीम वॉज ड्राफ्टेड विद द ब्रॉडर गोल ऑफ इम्प्रूविंग स्कूल इफेक्टिवनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कूलिंग एंड ऑल्सो इक्विटेबल लर्निंग आउटकम। अच्छा, जो इससे पहला प्रीवियस मैंने स्टेटमेंट बोला था, जिसमें आपको मैंने अलग अलग आपके ये डिजाइन बताए हैं, प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ मैं। नई शिक्षा नीति में जो डिजाइन है, जो लेवल्स हैं, वो क्या किस लेवल टाइप से बांटे गए हैं, क्या उनके नंबर, जैसे शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 था ना, वैसे अब जो शिक्षा नीति 2019 है उसमें क्या है, आप फटाफट से अभी चैट बॉक्स जो आपके सामने है उसमें लिख के दे दीजिए। ठीक है, अब द स्कीम वॉज ड्राफ्टेड विद द ब्रॉडर गोल ऑफ इम्प्रूविंग स्कूल इफेक्टिवनेस मेजर्ड इन टर्म ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कूलिंग। देखिए, चाहे 1986 की शिक्षा नीति हो, चाहे उससे पहले की कोई शिक्षा नीति हो, चाहे कोई आयोग हो, हर किसी आयोग में इक्वल एजुकेशन या इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कही गई है। तो स्कीम के माध्यम से ब्रॉडर लेवल में ये देख सकते हैं आप कि जो शिक्षा के अवसर हैं वो समान रूप से प्रेषित किए जाए, समान रूप से उपलब्ध कराए जाए, और इसके पश्चात सबसे बड़ी बात है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, प्रेजेंट टाइम पे लर्निंग आउटकम्स टर्म बहुत यूज करते हैं, जो आप में से जो पहले से क्लासेस अटेंड करते आ रहे हैं उनको मैंने बताया था कि हमारी जो SCERT है उसने लर्निंग आउटकम वर्ड यूज किया है। उनकी जो बुक्स हैं SCERT का आप देख सकते हैं, उसमें लर्निंग आउटकम लिखा रहता है ना, तो जो लर्निंग आउटकम्स है वो बराबर नहीं है। अब बात यहाँ पर यह है कि आप एक क्लास में, ठीक है, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चों को एक प्रकार से पढ़ा रहे हैं, शिक्षक भी वही पढ़ा रहा है, स्कूल भी वही, सब कुछ वही है, लेकिन बच्चों के पढ़ने के बाद जब वो क्लास पास करते हैं तो आउटकम्स क्या होता है, डिफर कर जाते हैं। तो मिनिमम कुछ एक इंडेक्स रखेंगे आप लर्निंग का, और उस इंडेक्स को अचीव करने के लिए आप काम करेंगे। यानी कि कोई बच्चा अगर 10 बच्चे भी एक क्लास में पढ़ रहे हैं कि 10 के 10 बच्चों में मिनिमम इतना लेवल तो उनका इम्प्रूव हो जाना चाहिए, ऐसा डिजाइन इसमें डेवलप करने की बात कही गई है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एजुकेशन, एजुकेशन की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है इनके अकॉर्डिंग देखो, मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। क्लास 12 तक जो स्कीम है आपका पूरी तरह से क्या रहेगी, स्कूल एजुकेशन को कंटिन्यू रखेगी, ठीक है ना, प्री स्कूलिंग से लेकर के आप क्लास 12 तक कंप्लीट एजुकेशन कर सके, राइट। अब इस संबंध में भी अब जो हमारी वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें, उसके ड्राफ्ट में कई सारी बातें कही गई हैं, वो क्या क्या बातें हैं ये आप लोगों को रिकॉल करनी, कि मैं शिक्षा नीति आपको पढ़ा चुका हूँ अपनी क्लास में, इंक्लूडिंग द प्रायर एंड पोस्ट लेवल ऑफ इन स्कूल एजुकेशन। अब हमें जो एलिमेंट्री स्कूल की जो फ्री एजुकेशन थी उससे बढ़ करके नई शिक्षा नीति में 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। पढ़ा रहा हूँ आपको मैं समग्र शिक्षा अभियान, लेकिन अभी जो मैंने पॉइंट बोला है वो समग्र शिक्षा अभियान का नहीं है, नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट का है। आप नोट कर लीजिएगा अलग से कि 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की इसमें बात कही जा रही है, यानी प्री स्कूलिंग से क्लास 12 तक की जो शिक्षा होगी वो पूर्ण रूप से निःशुल्क कर दी जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, समग्र शिक्षा अभियान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो लेवल है और प्री स्कूल का जो लेवल है उनको इंक्लूड किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या होंगे इसमें, कि प्रशासन स्तर पर क्या सुधार आप कर सकते हैं। वर्तमान में अगर आप देखते हैं शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षक भी गुणवत्ता परक हैं, पूरे अच्छे शिक्षक, क्वालिटी टीचर्स आप नियुक्त होते हैं स्कूल्स में, लेकिन प्रशासन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है ग्राउंड लेवल पर, तो इस वजह से गुणवत्ता नहीं आ पाती है। अब यहाँ पर क्या रिफॉर्म्स है देखिए, द स्कीम विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउिंग द स्टेट टू प्रायोरिटाइज द इट्स इंटरवेंशन। ठीक है, कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के रिफॉर्म्स होते हैं उनको प्रायोरिटी देगा, ठीक है, और अपने स्तर से जितना हो सकता है स्कीम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बता चुका हूँ आपको कि 2 T's की बात इन्होंने कही है, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड टीचर। ठीक है, तो मेकिंग
एजुकेशन क्वालिटी हाई प्रायोरिटी बाय फोकसिंग ऑन द टू टीज। तो दो टी पर ज्यादा फोकस करना है, एक तो टीचर, टीचरों को समय समय पर प्रशिक्षण देना है। और इसी के साथ में एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि कोठारी आयोग, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 1964-66, उसने शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में एक वर्ष में कितने घंटे का व्यावसायिक या कहें कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात कही है, कितने घंटे की? आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए जिन्होंने पहले क्लास पढ़ रखी है। प्लीज, आपका रिवीजन भी होते रहना चाहिए, ऐसा एग्जाम का ज्यादा समय हमारे पास रहा नहीं है ना अब, ठीक है। सेकेंड, इम्प्रूविंग द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन अ हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और साथ ही साथ ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, जो कि आपकी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव करना है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर, तो टीचर्स की जो कैपेसिटी है उसको आप बिल्ड करेंगे। टीचर जितना दे सकता है उससे अधिक दे सके, इसके लिए आप टीचर को प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए एक ही काम करना है, ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, सैलरी बढ़ा देनी है टीचर्स की, है ना बस। और टीचर देखो आप फिर कितना बढ़िया काम करते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रस्पेक्टिव टीचर्स बाय स्ट्रेंथनिंग द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लाइक SCERT एंड डाइट। और डाइट और SCERT, SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? NCERT पढ़े हैं आप लोग अभी 2 दिन पहले, पढ़ा है मैंने। तो वहां पर नेशनल की जगह पर आप स्टेट लगा दीजिए, है ना। तो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज SCERT, एंड डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो दोनों ही जो संस्थान हैं ये शिक्षक या विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक शिक्षा संबंधी और अन्य जो कार्य होते हैं वो देखे जाते हैं। ट्रेनिंग्स जो होती हैं टीचर्स की, वो यही डिजाइन होती हैं, इनके माध्यम से करवाई जाती हैं। तो इनके माध्यम से शिक्षकों की जितना हो सकता है बेहतर ट्रेनिंग कराना, और उनके लिए शिक्षक प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण जो संस्थान होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको मान्यता संबंधी नए नियमन निकालना, ये सब काम किसका है? इनका रहेगा, ठीक है। वैसे टीचर ट्रेनिंग से संबंधित जितने भी मानदंड होते हैं, जो मानक होते हैं, वो कौन तय करता है, कौन संस्था तय करती है, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। अभी पढ़ाया है आपको कुछ दिन पहले। सपोर्टिंग द राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है, किसके द्वारा आपका स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एनकरेज साइंस एंड मैथ्स लर्निंग इन स्कूल, ठीक। तो विद्यालय में गणित और विज्ञान के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को भी सपोर्ट ये करता है। कौन करता है? समग्र शिक्षा अभियान। एनकरेजिंग प्रोग्राम्स दैट एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशनल स्किल्स इन प्राइमरी स्कूल लाइक पढ़े भारत बड़े भारत। तो पढ़े भारत बड़े भारत एक स्कीम है ना, एक स्कीम है या एक प्रोग्राम है जो किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, किस राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया जा रहा है। अभी अभी आप चैट बॉक्स में लिखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है मैंने, राइट। तो इस प्रकार से ऐसे फाउंडेशनल प्रोग्राम्स को ज्यादा महत्व देना है जिससे कि बच्चों का, या फिर कहें कि प्राइमरी स्कूल में जो स्किल्स हैं वो डेवलप किए जा सके, राइट। जैसे कि पढ़े भारत बड़े भारत, और पढ़े भारत बड़े भारत के माध्यम से किस कक्षा तक के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, वो कक्षाओं के नाम भी आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, लिखिएगा जरूर। हाँ, इससे आप लोगों का रिकॉल भी होता है और असेसमेंट भी हो जाता है हैंड टू हैंड। प्रोवाइडिंग एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट इन स्कूल्स, विद्यालयों को वार्षिक पुस्तकालय अनुदान देने की बात भी ये करता है, ताकि विद्यालयों में अच्छी किताबें आ सकें और उन किताबों के माध्यम से बच्चों में पढ़ने की जो आदत है उसका विकास हो सके। डिजिटलाइजिंग एजुकेशन, अब विद्यालय का क्या करना है, हमने डिजिटलाइजेशन करना है, यानी कि तकनीक का उसमें प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या होता है डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन? मेक्स द टीचर मोर इफिशियंट एंड द स्टूडेंट्स कैन इजीली ग्रेस्प द कंसेप्ट विद अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। जब आप क्या करते हैं ना, आप किसी भी कंटेंट का विजुअलाइजेशन करते हैं बच्चों के सामने और वो इजीली समझ जाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, आपने हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ानी है, अब आपने क्या, एक बड़ी सी स्क्रीन में बच्चों को 3 डायमेंशनल जो एनिमेशन होता है उसके थ्रू वो पूरा प्रोसेस समझा दिया, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप हो पाएगी। द समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा स्कीम प्लान्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय प्रमोट सॉरी
प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग डिजिटल एजुकेशन। जिस प्रकार से समग्र शिक्षा अभियान जो है वो डिजिटल एजुकेशन को सपोर्ट करके और उसको प्रमोट करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की तरफ कार्य कर रहा है। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। एक नाम सुना था आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब एक नाम ये सुन लीजिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब का है आपका? 1986 का है। और ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड कब का है आपकी? रिसेंट है आपका 2018 का, राइट। टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। अब ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के अंतर्गत ही कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है। फर्दर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद सिमिलर इंटेंशंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग प्रोग्राम। कौन कौन से प्रोग्राम से देखिए, शगुन है, ठीक है, यूडाइस है। देखो यूडाइस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप में से कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, पढ़ाता है, या किसी ने अपने प्राइवेट स्कूल में भी एडमिनिस्ट्रेट लेवल का कोई काम देखा हुआ है या नहीं देखा है, अगर आपके पेरेंट्स ही प्राइमरी स्कूल में या किसी सेकेंडरी स्कूल में, उनसे पूछ लीजिएगा कि यूडाइस क्या होता है। यूडाइस इज, अच्छा लक्ष्मी भी अभी क्लास में है ना, तो लक्ष्मी आपको पता होगा, आई होप, आप बोलना मत लेकिन रिकॉल कर लीजिएगा, यूडाइस का वर्क आप लोगों से करवाया होगा शायद, जब आप लोग बागेश्वर में थे ना उस टाइम पे। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, हर विद्यालय के संबंध में जो सूचनाएं हैं वो क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स उनके होते हैं उनके पास रहती हैं। जैसे अगर डीईओ बेसिक और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेसिक एजुकेशन का जो होगा उसके पास बेसिक स्कूल जो है जो कक्षा 1 से 8 तक के है उनसे संबंधित सारी सूचनाएं स्कूलों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, और वार्षिक तौर पर ये उपलब्ध कराई जाती है। इनकी जांच करने के लिए बार बार कमेटी बैठाई जाती है, या फिर कहे कि जो डाइट से, या कहे कि आपका ब्लॉक लेवल से अधिकारी भेजे जाते हैं। शाला सारथी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, शाला कोष और शाला सारथी। शाला मतलब पाठशाला, सारथी मतलब कि जो पाठशाला को अपने साथ लेके चले, जो आगे बढ़ाए। सारथी क्या होता है आप जानते हैं ना, जो रथ को आगे बढ़ाता है, रथ में कोई ना कोई बैठा होगा, तो इसी प्रकार से शाला क्या है, एक रथ है, सारथी उस रथ को चलाने वाला है, और शाला में कौन बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, शाला कोष, ठीक। तो शगुन, यूडाइस, शाला को सारथी और शाला कोष, ये चारों नाम आप याद कर लीजिएगा। ये सर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही चलाए जा रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल्स, कंपोजिट स्कूल ग्रांट इंक्रीज। अब स्कूल्स को आप कैसे स्ट्रेंथ देंगे? सबसे पहले तो भैया पैसा चाहिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने अगर बनाना है, जीर्णोद्धार उसका कराना है, रिनोवेशन कराना है उसका, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, स्कूल्स को ग्रांट बांटेंगे, और वो ग्रांट जो पहले से देते आ रहे हैं, जो तय थी, अब उसमें थोड़ा सा वृद्धि की जाएगी, क्योंकि अब महंगाई बढ़ चुकी है, अब जो तय पैसा आता है वो काम नहीं आएगा। तो अभी तक फिलहाल जितना मेरे को याद है 25,000 रुपये वार्षिक प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों तक जाता है, और उस 25,000 में पूरे साल भर का जो भी खर्चा होता है वो करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी, ठीक है, टूट फूट हुई है या कुछ ऐसा हुआ है। प्रोवाइडिंग एंड एनकरेजिंग क्लीनिनेस एक्टिविटीज, सपोर्टिंग स्वच्छ विद्यालय। तो स्वच्छ विद्यालय नाम से एक स्कीम चलाते हुए इन्होंने विद्यालय में क्या करना है, क्या बोलते हैं, स्वच्छता को रखने के लिए या क्लीनिनेस रखने के लिए कार्य करना है, और उसको बच्चों के सहयोग से, समुदाय के सहयोग से उस कार्य को करवाना है, ठीक है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है। फोकसिंग ऑन गर्ल एजुकेशन, तो लड़कियों की शिक्षा पर फोकस करना है। अब लड़कियों की शिक्षा पर फोकस क्यों करना है, आप लोग खुद जानते हैं कि हमारे देश है वो पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर लड़कियों को शिक्षा के अधिक अवसर नहीं मिल पाते हैं। अगर आप देखिए कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और एक ही बच्चे को पढ़ाने का आपके पास अगर पैसा है तो आप सिर्फ लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की को आप नहीं पढ़ाते हैं। देखा जाए तो एक प्रकार से दुर्भाग्य की बात भी है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो चाहिए कि हर जो लड़की है वो भी पढ़ सके। एम्पावरिंग गर्ल एट अ यंग एज इज इम्पोर्टेंट, तो युवा अवस्था में ही, युवा आयु में ही लड़कियों को सशक्त बना देना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिससे कि उनकी समाज में छवि बढ़ सकती है और उनमें अवेयरनेस आ सकती है। प्रोवाइडिंग बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू गर्ल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि सर्व शिक्षा अभियान में या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में नहीं दी जा रही थी। एनकरेजिंग
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, ये तो आपने नाम कई बार सुन ही लिया होगा ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लियर हो गया। वोकेशनल एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, अब पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर व्यावसायिक गुणों का विकास भी करना है, जिसके लिए एक्सटेंडिंग द वोकेशनल स्किल करिकुलम एट द अपर प्राइमरी लेवल। वोकेशनल एजुकेशन जो है, ये जो स्किल्स है उनको अपर प्राइमरी लेवल तक लेकर के आना है। एंड फॉर रेनफोर्सिंग द एम्फेसिस ऑन कौशल विकास, तो कौशल विकास, कौशल विकास को किस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया तभी आपसे बोल दिया था, सर्व शिक्षा अभियान की हमने पहली क्लास की वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी क्योंकि करंट टाइम पे वो अब आपका मर्ज हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जितना भी कुछ नया चल रहा है वो सब आपका करंट अफेयर्स बनता है, चाहे आपका ये करंट अफेयर्स में एग्जाम में पूछ सकता है ना। अगर आपकी स्क्रीनिंग के एप्टीट्यूड के सिलेबस में समग्र शिक्षा अभियान नहीं दिया है तो आप याद रखिएगा कि इसको पढ़िएगा जरूर, आप लोग इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत है। तो कौशल विकास योजना भी आप याद रख लीजिएगा, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रेशन, विद्यालयों में खेल और जो शारीरिक शिक्षा है उनको भी एक साथ कराना है, जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य जो है बना रहे। और बच्चे, कई बच्चे तो क्या होता है कि आपको जानते ही हैं कि खेल के माध्यम से कई चीज सीखते हैं। देखो जो खेल है, जो स्पोर्ट है, जो फिजिकल एजुकेशन है, उससे बच्चों का सिर्फ स्वास्थ्य ही सही नहीं होता है, शारीरिक स्वास्थ्य ही सही नहीं होता है, बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है ना, उनके जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो भी होता है ना। बच्चा हारना जीतना सीखता है तो ना जीतने में ज्यादा खुश होता है ना हारने में दुखी होता है, तो ये सारी ही जो स्पिरिट्स होती हैं बच्चा स्पोर्ट्स से सीख जाता है। मेंटेनिंग द रीजनल बैलेंस, रीजनल बैलेंस का मतलब क्या होता है, मतलब जो अलग अलग क्षेत्रों में जो चल रहा है आपका कोर्स उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो फेवरिंग द सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स EBB, LWE, affected districts, special focus districts, border areas and 117 aspirational district identified by नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा कुछ backward blocks बनाए गए हैं, LWEs बनाए गए हैं आपके जो district के आधार पर हैं, ठीक है, special focus district बनाए गए हैं, right, right. इस प्रकार से 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आपके आइडेंटिफाई किए गए किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, फिगर है तो जहां पर फिगर आता है उसको लर्न कर लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है समग्र शिक्षा अभियान का, ये कम्प्लीट होता है। आई होप कि इस टॉपिक में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो कवर नहीं हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, वो आपके हो जाएंगे। बट फिलहाल मेरी बेस्ट नॉलेज में जितना समग्र शिक्षा अभियान में वो सारा का सारा हम डिस्कस आज कर चुके हैं, काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक या दो पॉइंट नहीं सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको चाहिए कि इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। और जितनी भी ये योजनाएं चल रही हैं, चाहे कौशल विकास हो, चाहे ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड हो, ये सारे आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए, राइट। चलिए फिर, थैंक यू ऑल।